हाय गाइस, मैं उशांतनु। हमारे देश में प्राइमरीली क्रिकेट को साइड कर दिया जाए तो बाकी खेलों की गुर्बत, उन खेलों को खेलने वाले खिलाड़ियों की गुर्बत कोई नई न्यूज नहीं है। लोगों को पहले से ही पता है बाकी खेलों को कितनी तवज्जो दी जाती है हमारे देश में। ऑल्दो अब ये वाला सीन काफी बदल रहा है, बाकी खेलों को और ज्यादा तवज्जो मिलने लग गई है, उनमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई है, लेकिन ये सारे बदलाव जो हम अब देख रहे हैं ये कोई 2-4 या 5 साल में नहीं आए। इन बदलावों को लाने के लिए खून, पसीना, मेहनत, जिल्लत सहनी पड़ी दसियों साल तक। बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स के नामों को और उनके लाइफ के बारे में, उनके खेल के बारे में जितनी फिल्में बने बॉलीवुड में, मेरे हिसाब से वो कम है। मैदान आ गई है लेकिन देर से आई है, पर क्या ये फिल्म दुरुस्त आई है, इसी के बारे में बात करेंगे आज ऑनेस्टली सेइंग। एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी पे बायोपिक बनाना कोई आसान खेल नहीं है। उस प्लेयर को समझना, उसकी साइकी को समझना, उसके स्ट्रगल्स, उसके इमोशंस, उसकी मोटिवेशंस, डीमोटिवेशंस को समझना तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कितने सारे लोग इन्वॉल्व थे, क्या वो एक टीम स्पोर्ट्स प्लेयर था, क्या वो एक कोच था, क्या वो एक स्पोर्ट्स मैनेजर था, हर चीज को समझना पड़ता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाती है व्हेन द सोशियो पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा ऑफ दैट टाइम, जब वो प्लेयर खेला करता था, वो प्ले में आ जाता है। और सोचा जाए तो बहुत ही दुख की बात यह भी है कि ऐसी फिल्मों को कंसीव करने से पहले, इनको प्रोडक्शन में लाने से पहले यह भी बहुत सोचा जाता है कि क्या इन फिल्मों में जो स्पोर्ट दिखाया जा रहा है, जिस खेल की हम बात कर रहे हैं, वो तवज्जो भी रखता है, वो इंपॉर्टेंस भी रखता है लोगों के सबकॉन्शियस में कि नहीं, क्या लोग थिएटर में आएंगे, इस स्पोर्ट का इतना पुल है। और मैदान इन सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से आंसर करती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैदान के रिलीज को लेकर मैं कुछ खास एक्साइटेड था नहीं। ये फिल्म पहले ही रिलीज के लिए मल्टीपल डिलेज को फेस कर चुकी थी और इसके आसपास की हाइप भी थोड़ी ठंडी पड़ गई थी। बट गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, दिस फिल्म विल सरप्राइज यू। डायरेक्शन, एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, बैकग्राउंड म्यूजिक, यू नेम इट एंड मैदान हैज गॉट दैट फॉर यू। अटेंशन टू डिटेल्स की बात करी जाए तो इस फिल्म में इंडिया 1950s से लेकर 1960s के बीच में कैसा दिखता होगा, जो इन्होंने लोकेशंस चूज करी हैं, कैसे कॉस्ट्यूम डिजाइन होंगे, जूते किस तरह के पहने जाते होंगे उस टाइम पे फुटबॉल किस तरह की होती है, पूरे मैदान उस टाइम पे कैसे होते थे, फील्ड कैसे होती थी, सॉकर एक्चुअली में कैसे खेला जाता था, वो सब बड़े ही इंटेलिजेंटली इन्होंने पढ़ा है और उसको अप्लाई किया है पिक्चर के स्क्रीन प्ले में। आज भी अगर इंडिया में फुटबॉल की बात होती है तो सुनील छेत्री और मोहन बगान के आगे शायद ही किसी को कुछ पता हो। मैं फुटबॉल फैंस की बात नहीं कर रहा, जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, ऑफ हाउ दे परसीव इंडियन फुटबॉल एंड द इंडियन फुटबॉल सीन। लेकिन सईद अब्दुल रहीम, जिनके ऊपर ये फिल्म बेस्ड है, जो एक्चुअली में आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फुटबॉल कहलाए जाते हैं, उनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता था और ये फिल्म वही पर्पस सॉल्व करती है। He is Mr. Rahim, इंडियन फुटबॉल टीम कोच। अजय देवगन विद हिज परफॉर्मेंस इन मैदान येट अगेन प्रूव्स कि वो एक डार्क हॉर्स हैं और चाहे कितना भी क्लटर हो वो अपनी लेन में चलते हैं। इतने सारे के सारी मसाला फिल्में आ रही हैं और बीच में एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म लेके आते हैं एंड व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस ही हैज डिलीवर्ड इन द फिल्म। कोच के चेहरे पे जो काम और कंपोजर होता है, कैसे वो एक टीम को असेंबल करते हैं जो टीम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आई मीन ही इज पिकिंग अप प्लेयर्स जो गली में खेल रहे हैं एंड ही स्काउटिंग फॉर टैलेंट, और वो उस स्किन में घुस चुके हैं रहीम साहब के कैरेक्टर की और तुम्हें वो दिखेगा। एंड देन ही डील्स विद अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। ईच एंड एवरी इमोशन हैज बीन पोर्ट्रेट फैंटास्टिकली बाय अजय देवगन। मुझे लगा था आज आखिर हिंदुस्तान की बात होगी, लेकिन हम तो अब तक बंगाल और हैदराबाद में अटके हुए हैं। अजय की परफॉर्मेंस से भी बेटर एक फिल्म में परफॉर्मेंस है और वो है मिस्टर गजराज राव की। ही प्लेज द रोल ऑफ अ वेरी मिस्चीवियस, नोटोरियस एंड ईविल जर्नलिस्ट जो इनकी टीम को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं उसमें कोलोनियल एलिटिज्म भी बहुत देखने को मिलता है। बहुत अच्छी तरह से उनका किरदार लिखा हुआ है और उतनी ही अच्छी तरह से गजराज राव साहब ने उसको निभाया भी है फिल्म में। सुना झोपड़पट्टी से किसी लड़का को उठा लिया है। फिल्म इनिशियल रेसिज्म जो हमारी टीम्स ने आजादी के बाद जो अब्रॉड गई थी खेलने और गोरों के साथ वो प्राइमरीली खेली थी, उन्होंने क्या क्या फेस किया था रेसिज्म के नाम पे, उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से टैकल करती है फिल्म। एक शॉट है जहां पे भैया एज अ फ्रेंडली जेस्चर हमारा एक प्लेयर एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के ना फीते बांध देता है, उसके लेसेस टाई कर देता है और वो सीन तुम्हारा खून खौला देगा। वो फिल्म में तुम देखना कैसे पैन आउट होता है। फिल्म के डायरेक्टर अमित शर्मा ने फुटबॉल खेलने वाले ऑन फील्ड जो शॉट्स लिए हैं बड़े ही बेहतरीन तरीके से लिए गए हैं। ऐसा लगता है कि एक एक कास्ट मेंबर ने ट्रेन करा है फील्ड में उतरने से पहले ताकि रियलिज्म में कहीं पे भी डिस्काउंटेड ना लगे कोई चीज। अमित शर्मा ने
टेक्निकल ब्रिलियंस को ध्यान में रखते हुए डम डाउन किया है हर चीज को, ताकि ये फिल्म एक एक बंदे के दिमाग में घुसे, एक एक लेमैन इस फिल्म को समझ सके, फुटबॉल की टेक्निकलिटीज को समझ सके, जो इमोशन हमारे खिलाड़ियों ने उस टाइम फेस किया था, चाहे वो रेसिज्म का हो, चाहे वो डिफीट का हो, चाहे वो ट्रायंफ का हो, वो तुम्हारे को वहां पे बैठ के फील होगा फिल्म देखते हुए। बहुत ही एक्सटेंसिव कास्ट है सिंस एक बड़ी फुटबॉल टीम है, लेकिन कास्टिंग एक एक मेंबर की बहुत ही जबरदस्त तरीके से करी गई है। वो दिखेंगे कैसे, सुडौल से होंगे, बेडौल से होंगे, खाने को ठीक से मिल नहीं रहा, जूते हैं नहीं, तो भैया हट्टे कट्टे खिलाड़ियों की तरह थोड़ी लगेंगे वो माल नरिश लगने चाहिए, तुम्हारे को स्ट्रगलिंग लगने चाहिए, चेहरे पे दुख दिखना चाहिए, उनका हेयर स्टाइल कैसा होगा, लिमिटेड पेयर ऑफ कपड़े हैं उनके पास पहनने के लिए, एक दो जोड़ी यूनिफॉर्म है, अपने कपड़े खुद धोने हैं, तो ये सब दिखता है, वो स्ट्रगल उन कास्ट के चेहरे पे दिखता है, और सारी कास्ट ने बहुत बढ़िया काम भी करा है। कम से कम आज एक कांटे की टक्कर की उम्मीद थी, पर प्रिया मणि जस्ट लाइक ऑल द रोल शी प्लेज, शी इज अ क्लास एक्ट वंस अगेन, वो एक बैकबोन प्ले करती है सर रहीम साहब की फिल्म में। वैसे पूरे इंडिया में किसी को नहीं लगता कि हम कभी जीतेंगे, पर आपको लगता है। आगे बढ़ने से पहले मैं इस हफ्ते ऑनेस्टली से एक पॉडकास्ट पे बैठा विद द लेजेंडरी फिल्म मेकर राइटर डायरेक्टर दिबाकर बैनर्जी, उन्होंने मेरा काफी मजाक भी उड़ाया, उसका टीजर देखो, और अगर ऑनेस्टली से एक पॉडकास्ट को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो कर लो। इट्स अ प्लेजर टू मीट समबडी एल्स हु इज मेकिंग कंटेंट एज चीपली एज आई एम। मैंने कहा था यही होगा, तुमने मेरी बात नहीं माना। अरे हमारी फिल्म में डायलॉग है यार, भूख तो अच्छा। हमारे यहाँ हर प्रकार के पंचर ठीक किए जाते हैं। हमारी फिल्म में यूट्यूब के ब्लॉगिंग भी है, इंस्टा की रील भी है, डीप फेक भी है। अभी आपकी एलएसडी 100 करोड़ कमाएगी ना, आप फोन भी नहीं उठाओगे मेरा? एक बार ही उठाऊंगा, 100 करोड़ बोलिए, एक बार ही उठाऊंगा। थैंक यू बोलूंगा। किंगफिशर अल्ट्रा, थैंक यू सो मच। And we gotta do it something like this. अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है और लोगों को लगेगा भी कि फिल्म थोड़ी लंबी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। वो इसलिए क्योंकि ये फिल्म ना स्लोली बेक होती है, ये एक वेल कुक्ड बिरयानी की तरह है, 2 मिनट मैगी नूडल नहीं है। ये आपको सारे इमोशंस के थ्रू, जो भी रहीम साहब इमोशंस के थ्रू जा रहे थे, चाहे वो उनकी बीमारी का हो, चाहे वो डिफीट का हो, चाहे वो ट्रायंफ का हो, चाहे वो एज अ टैलेंट स्काउट का हो, वो सारे इमोशंस को बहुत ही अच्छी कलेक्टिवली आपको लेके आके दिखाती है बड़ी ही तसल्ली से। बैकग्राउंड म्यूजिक फैंटास्टिक है फिल्म का, हीरो शॉट्स भी बहुत जबरदस्त है, एलिवेशन के जो शॉट्स लिए हुए हैं आपको पेट्रियोटिज्म से विदाउट चिल्लाए और चीखे हिंदुस्तान का झंडा आपको दिखेगा, आपको अपने खिलाड़ी देखते हुए दिखेंगे, आपको गूज़बम्प्स आ जाएंगे। एक चीज जो मुझे थोड़ी लैकिंग लगी वो थी एक हीरो ट्रैक की, एक गाना मैं ऐसा मिस कर रहा था जो स्टेपल हो जाए, जो सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में छप जाए, लेकिन आई डोंट थिंक सो, दैट्स अ ड्रॉबैक। ओवरऑल इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म एंड इट सिट्स राइट देयर इन द लिस्ट ऑफ दंगल, चक दे एंड भाग मिल्खा भाग। तो भाई बहुत मजा आया मेरे को, मैं अपनी फैमिली के साथ ये फिल्म देख के आया, फैंटास्टिक, हर किसी ने इस फिल्म को प्यार किया। बहुत टाइम के बाद मुझे कोई ऐसी फिल्म देखने को मिली है जो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री लगी मेरे को। हैट्स ऑफ टू अजय देवगन एंड अमित शर्मा एंड ऑल द क्रू इन्वॉल्व इन दिस फिल्म, बहुत बढ़िया फिल्म थी, जाके देख के आओ, थिएटर का एक्सपीरियंस भी तुम्हारा बहुत बढ़िया रहेगा। अगली वीडियो में मिलते हैं जो होने वाली है चमकीला का रिव्यू, कल मिलते हैं, तब तक के लिए मामा मियां लज़ानिया पप्पी, बाय बाय।